кайчу. А чувак, мы вонинга кайчу. Э, мистер Кадын. Ага, ага. Ван бур. Сети бар атка го. Э, да будет регулятор. Э, вора цахи башко. Ватру, ватру, мия я пари. Я парла мне джоал я паря. Скоро пана я скеш туристы едят, кара. Пашал бы хорки мисто. Ася, паблик шпиар я паря, шамса. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कश्मीर क्राउन में आप सबका खैर मुकदम। मैं हूँ आपका दोस्त अशरफ रही। नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद है मशहूर सैद अफजल मुकाम टंगमर्ग, जिसे हम गेटवे ऑफ गुलमर्ग भी कहा जाता है। लेकिन गेटवे ऑफ गुलमर्ग तो अब दूर की बात है, अब इसे डोर मैप ऑफ गुलमर्ग बनाया गया है। एक तरफ से जहाँ गवर्नमेंट G20 की बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ से वही यहाँ पर स्वच्छ भारत मिशन की धज्जियाँ उड़ाई जा रही है। किस कदर जो टॉयलेट पॉइंट्स यहाँ पर है, टॉयलेट पॉइंट से निकलने वाली गलाजत जो है खुले में छोड़ दी जाती है। लोगों को बीमारियों का खदशा है, लोगों को यही पानी पिलाया जा रहा है जो इस ड्रेन के जरिए या इस ड्रेन के जरिए इस नापाकी को यहाँ की मशहूर नदी बाबर कनाल में डाल दिया जाता है। और वो पानी वजह रहे नाज़रीन, वो पानी लोग आज भी खाने पीने की चीज़ों में इस्तेमाल करते हैं। एक अगरचे यहाँ पर दो टॉयलेट पॉइंट बनाए गए हैं, दोनों विदाउट सेफ्टी टैंक्स हैं। सेफ्टी टैंक इनके डैमेज है, सेफ्टी टैंक इनका काम ही नहीं कर रहा है। और जो टॉयलेट पॉइंट्स है वो भी डैमेज है। लोगों के साथ साथ टूरिस्टों को भी यहाँ काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। मज़ीद इसी हवाले से हम यहाँ के मुकामी लोगों से जानेंगे। प्रॉब्लम जो है यहाँ हमारे यहाँ बाथरूम देखे, ये बिल्कुल काबिल इस्तेमाल के काबिल नहीं है। इतना पैसा आ रहा है टूरिस्ट को, बहुत सारा पैसा गुलमर्ग के लिए, टंगमर्ग के लिए आ रहा है, लेकिन हमारी बद में 12 शापस है। यहाँ तकरीबन 500 आदमी काम करे, मुश्किल से हम ये बाथरूम है ना, एक आदमी भी इसको इस्तेमाल के काबिल नहीं है। हम चाहते हैं कि एक अच्छा सा बाथरूम यहाँ बनाया जाए ताकि लोगों में थोड़ा हो लेता है। अगर जो टंगमर्ग की हम बात करते हैं, सबसे ज़्यादा टूरिस्टों की भीड़ यहीं रहती है, क्या टूरिस्टों को भी यहाँ पर मुश्किलों का सामना करना पड़ता है? बिल्कुल, हमें उनको होटलों में लेना पड़ता है या छोटे छोटे यहाँ जो गेस्ट हाउस बने हैं उनको उनमें ले जाना पड़ता है, क्योंकि ये इस्तेमाल के काबिल नहीं। हमें 2 साल से कभी आपने कह रहे हैं, 2 साल से हम इनको कह रहे हैं, हमें ये आते हैं ऑफिसर आते हैं यहाँ पर, हमें बोलते हैं आज करेंगे कल करेंगे, हमें कोई भी नहीं करता। यहाँ पर जो भी आते हैं हमें 10 मिनट के लिए आते हैं, फिर उसके बाद कोई यहाँ पर ये नहीं करता है। आप देखिए वहाँ पर हमारा ये बाथरूम दो यहाँ पर बना है, एक में ताला लगा हुआ है, एक तो यहाँ पर है, इसी में लेडीज भी जाती है, इसी में जेंट्स भी जाते हैं। हम यहाँ पर दुकानदार हैं, हम तो हम ये बैठ नहीं सकते हैं, यहाँ पर इतनी बदबू आती है। जहाँ तक हमने देखा पीछे इसका सेफ्टी टैंक भी नहीं है, पीछे हमने वो भी बताया, वो भी जाता है नीचे, वो भी नदी में सीधा जाता है। ये पानी लोग पीते हैं नीचे जाके, वो भी गुनाह है। कोई नमाज पढ़ता है वो भी रमजान का महीना है, इसी गंदे पानी का मुंह बनाता है। आप मेहरबानी करके हम इंतजार करते हैं इनको, अगर कहते हैं हमें आज करेंगे कल करेंगे, ये कोई बड़ी बात है नहीं पा रहा। जब यहाँ पर इतना नीचे से यहाँ गुलमर्ग तक करोड़ों रुपया खर्चा होता है गवर्नमेंट को, ये देखिए यहाँ पर पार्के हैं जो तोड़े गए हैं, नई बना रहे हैं, ये तो कोई बड़ी बात है ही नहीं, ये तो छोटे पैसे का मसला है। यहाँ पर अगर रुपया लाख खर्चा करेंगे हम तो यहाँ पर 6 बना सकते हैं, एक तो बात ही नहीं है। अगर इसमें प्रॉब्लम है हमें इस साइड में दूसरी जगह यहाँ पर है, गवर्नमेंट तो यहाँ पर बना सकते हैं छोटे पैसों में। ये तो कोई टूरिस्ट परेशान होते हैं, लोग पब्लिक यहाँ परेशान है, दुकानदार परेशान है, हम तो दुकानों पर बैठ नहीं सकते हैं यहाँ पर। आप खुद देखिए मेहरबानी करके हम कह सकते हैं ऑफिसरों से, यहाँ पर आके आ जाइए और देख लीजिए। यहाँ पर ये दुकान हमारे बन गए, यहाँ पर हमने इसको खुद मरम्मत की थी, ये भी हमको यहाँ पर खोल दिया, आधे में टाइल लगाए, आधे कुछ नहीं, इसको ऐसे फेंक दिया। क्या लगाया बोर्ड और लव बोर्ड 800-800 रुपया हमने भर दिए, किस लिए? सब एक ही बनाना है। कहा अगर एक ही बनाना थे क्या इसके लिए टाइल नहीं थे? गवर्नमेंट के इसी के लिए टाइल थे, अगर इसी के लिए टाइल थे इसको क्यों खोल दिया थे? हमें खोदा गया यहाँ पर, पानी रोज गिरता है, हम तो दुकान में कोई टूरिस्ट आता ही नहीं है हमें, इसका भी हमको
आप खुद देख लीजिए यहाँ पर। अब क्या रहेगी आपकी मांग? ऑफिसर को मेहरबानी से मेहरबानी करके आइए, हम यहाँ पर बाथरूम की सब जगह है। अगर हमारे इसमें काम नहीं भी करेंगे लेकिन बाथरूम का टूरिस्ट परेशान नहीं होंगे। अगर ये ऐसा ही करेंगे तो हमें दुकान बंद कर रहे हैं, हमें क्या करेंगे दुकान पर? जब कोई टूरिस्ट यहाँ पर रुकेगा ही हमें तो बाथरूम के लिए यहाँ पर रोक रुकते हैं। वो सर कह रहे हैं कि आज हो जाएगा कल हो जाएगा, लेकिन दो साल से वो नहीं हो पाया है, दो साल से नहीं हो पा रहा है। हम चाहते हैं कि वो जल्द से जल्द इसका काम करे, 5-6 कमरों का एक बाथरूम बनाए ताकि यहाँ की आम पब्लिक भी उसका फायदा उठाए, जो टूरिस्ट आते हैं उनके लिए भी। थैंक यू सर।